तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शेफ संदीप और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ राजमा मसाला और मटन करी। जब भी घर पे रिश्तेदार आते हैं, मेहमान आते हैं, तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है कि शेफ़ तो घर पे है, शेफ़ ही खाना बनाएगा। और साथ ही साथ हमेशा एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, भाई इतनी जल्दी कैसे बना लेते हो खाना। तो आज भी रिश्तेदार आ रहे हैं, लंच पे राजमा मसाला बनाऊँगा, मटन करी बनाऊँगा और जल्दी बनाऊँगा। सीक्रेट रिवील है इस वीडियो में कि शेफ्स इतनी जल्दी खाना कैसे बना लेते हैं। एंड तक देखिएगा वीडियो, आप लोगों को पता लग जाएगा कि खाना जल्द से जल्द कैसे बनेगा। तो हमने ले रखी है 300 ग्राम राजमा, इसको ओवरनाइट सोक करा है। अब इसको डालेंगे प्रेशर कुकर के अंदर। अब डालेंगे पानी। तो हमें पानी कितना चाहिए राजमा के लिए, राजमा आपकी कवर हो जानी चाहिए पूरी पानी से और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए पानी का लेवल। फिगर्स में बात करें तो 250 ग्राम राजमा के अंदर 700 ml वाटर, लाल मिर्ची आधा चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। अब कर लेंगे मिक्स। काम की बात बता देता हूँ, जब भी आप राजमा को बॉयल करो तो उसके अंदर ये पिसे हुए मसाले डालें। उससे क्या होगा, एक तो राजमा का कलर निखर के आएगा और राजमा का फ्लेवर भी बहुत अच्छा होगा। और अब राजमा को हम ढक लेंगे और अब राजमा को पकाएंगे कुकर में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, राजमा कितनी सीटियों में गलेगी। 2 सीटी हाई फ्लेम में, 1 सीटी स्लो फ्लेम में आपकी राजमा गल जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, पानी के ऊपर भी गलना डिपेंड करता है राजमा का, किसी भी मीट का। अगर पानी हार्ड है तो जो सीटी है वो बढ़ भी सकती है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन वाटर। दो सीटियां आ चुकी है, अब करेंगे गैस को स्लो। चलिए चेक कर लेते हैं राजमा को। राजमा गल चुकी है, पता कैसे लगेगा, एक राजमा के दाने को दबा के देखेंगे। अब बनाएंगे हम प्याज टमाटर का मसाला। 200 ml लूंगा मैं सरसों का तेल और उसमें डालूंगा 1 किलो स्लाइस करा हुआ प्याज। और प्याज को पकाना है जब तक वो ब्राउन नहीं हो जाता। तो जब तक प्याज हमारा ब्राउन हो रहा है, बना लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और मसालों का मिक्सचर। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हमने 3 बड़े चम्मच। उसमें डालेंगे कलर देने के लिए देगी मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का, और स्पाइसी करने के लिए डालेंगे मिर्ची कुटी हुई 1 चम्मच, 2.5 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर के, और ये मैं डालूंगा मीट मसाला टेस्ट बढ़ाने के लिए। कर लेंगे अच्छे से मिक्स। मसाला हमारा रेडी है, चेक कर लेते। एक बार प्याज ब्राउन हो जाएगा उसमें डालेंगे पेस्ट को, और प्याज और पेस्ट को अच्छे से भूनना है जब तक अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले पक नहीं जाते। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले पक चुके हैं, अब डालेंगे इसके अंदर 5 टमाटर की प्योरे, और अब इसको भी भून लेना है अच्छे से जब तक कि हमारा मसाला पक नहीं जाता और रोगन ऊपर आ नहीं जाता। मसाला पकने में लेगा कम से कम 10 से 15 मिनट तक। तो यहाँ तेल ऊपर आ चुका है, देते हैं प्याज को, और इसी मसाले को यूज़ करेंगे राजमा को फिनिश करने में। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा 2 चम्मच मसाले के और उसको डाल दूँगा बॉयल राजमा के अंदर। अच्छे से कर लेंगे मिक्स। यहाँ पर मैं डालूँगा इसके अंदर 2 कटोरी पानी और राजमा को होने देंगे बॉयल। जब तक राजमा बॉयल हो रही है, फिनिश करते हैं मटन को। यहाँ पर मैंने मटन ले रखा है 1 किलो। अच्छे से कर लेंगे मटन को मिक्स मसालों के साथ, फिर मटन को ढक के पकाएंगे धीमी आंच में कम से कम 15 से 20 मिनट तक। अब चेक कर लेते हैं राजमा को। तो राजमा में बॉयल आ चुका है, अब राजमा को पकाना है जब तक वो गाढ़ी नहीं हो जाती। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं मटन को भुनते हुए, मसाला भी सूख चुका है, मटन भी भुन चुका है। अब मटन के अंदर ऐड करेंगे पानी। मैं मटन के अंदर डालूंगा 1 कटोरी पानी का, कर लूंगा मिक्स, और अब मटन को दम पे पकाऊंगा जब तक हमारा मटन अच्छे से गल नहीं जाता। और अब बारी है राजमा चेक करने की। तो राजमा हमारी रेडी है, अब लगाएंगे इस पे फाइनल तड़का। हमने ले रखा है 50 ग्राम बटर, डालेंगे लहसुन कटा हुआ और उसको होने देंगे ब्राउन।
डालेंगे कटा हुआ अदरक और डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची और डाल देंगे तड़का और कर लेंगे मिक्स। और ये राजमा ढाबे वाली रेडी है सर्व करने के लिए। गार्निश करेंगे बटर से और चॉप कोरिएंडर से। भाई राजमा तो रेडी हो चुकी है, अब चेक कर लेते हैं मटन को भी। तो यहाँ पर देख सकते हो ग्रेवी का कलर कितना शानदार आया है। मटन हमारा रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी बनाइए, बना के देखिए और बताइए कैसे बना मटन और राजमा। तो कैसी लगी आप लोगों को ये वीडियो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।